गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। टुडे इन द क्लास ऑफ BBFF सेमेस्टर ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट और इसके उपयोग, क्या क्या उपयोग हैं, किस चीज़ में हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। BBFF सेमेस्टर का कंप्यूटर फंडामेंटल का ये क्लास है। आज बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके उपयोग के बारे में। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं बेसिकली इंटरनेट होता क्या। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है हमें, इंटरनेट यानी कि एक नेटवर्क जो ओवरऑल ग्लोब में फैला हुआ है, मतलब ऐसा नेटवर्क जिसके थ्रू हम ओवरऑल वर्ल्ड या ग्लोब में एक्सेस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या टॉपिक को, ठीक है, अगर वो इंटरनेट में मौजूद है तब, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन की अगर इसके बात करें तो जैसा कि इंटरनेट के बारे में ऐसा कोई स्टूडेंट मुश्किल से ही होगा जो अननोन होगा, इसे नहीं पता होगा, लेकिन आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन है, हमारे स्मार्टफोन है या कंप्यूटर है, उसमें हम इंटरनेट का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं और उसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो होता क्या है, इसके बारे में कुछ नॉलेज तो स्टूडेंट्स को होगी ही। डिटेल में हम बात करते हैं आज इसके बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इंटरनेट इज़ ए वर्चुअल नेटवर्किंग मीडियम दैट कैन बी कनेक्टेड एंड यूज इन ए वैराइटी ऑफ डिवाइसेज। इंटरनेट क्या है? एक वर्चुअल नेटवर्किंग मीडियम है। ये नेटवर्किंग का मतलब होता है, नेटवर्किंग कहते हैं एक से ज़्यादा डिवाइस जब आपस में कनेक्ट हों, तो जो ये इंटरनेट है वो हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क है, यानी कि इससे जो भी डिवाइस हैं, ठीक है, चाहे कंप्यूटर हों चाहे मोबाइल हों, वो वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है, विदाउट वायर, ओके, दैट कैन बी कनेक्टेड एंड यूज ऑन ए वैराइटी ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। और ये जो हमारे नेटवर्क है वो वैराइटी ऑफ डिवाइसेस के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होता है। दीज डेज आजकल हम देखते हैं, इन्होंने जैसा बताया कि वैराइटी ऑफ डिवाइसेस का मतलब है कि कंप्यूटर में भी नेटवर्क का यूज़ करते, इंटरनेट का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग वगैरह में और सब में, कैमरे में, इन सब में हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ओके। इट इनेबल्स द यूज़र टू सेंड, ये यूज़र को इनेबल करती हैं किस किस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, टू सेंड, टू रिसीव, कलेक्ट, स्टोर, अपडेट, डिलीट एंड मैनी अदर ऑपरेशंस ऑफ द डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि हम डेटा पर या इंफॉर्मेशन पर किसी डेटा पर पूरे वर्ल्ड में उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इनेबल होती हैं इंटरनेट के माध्यम से। इसमें जैसे यूज़र जो भी इंटरनेट, वो क्या कर सकता है, अपने डेटा को सेंड कर सकता है, डेटा रिसीव कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है, ओके, अपडेट कर सकता है, डेटा को डिलीट कर सकता है और मैनी अदर ऑपरेशंस वो अपने डेटा पर परफॉर्म कर सकता है बाया इंटरनेट, ओके, इंटरनेट के थ्रू। ओके, इंटरनेट यूजेज इज एक्सपेंडिंग इट्स बाउंड्रीज एवरी डे, ठीक है, इंटरनेट का यूज अपनी बाउंड्री को दिन पर दिन एक्सपेंड करता जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है, ठीक है। हर आजकल ऐसा मैं नहीं मानता या मेरी नॉलेज में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ इंटरनेट का यूज़ नहीं हो रहा हो। मोस्टली जैसे हम देखें अगर एग्रीकल्चर की ही बात करें तो उसमें भी इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू कैसे हम अपनी फसल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें पता करना हो, अपने दवाइयों के जैसे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के बारे में पता करना हो, इंटरनेट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है चाहे वो कोई भी फील्ड हो XYZ, मतलब जो हमारे इकोनॉमी से जुड़ी हुई हो या पर्सनल रिलेटेड हो, उसमें इंटरनेट का आजकल बहुत बड़ा रोल है और जो इंटरनेट है वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करता चला जा रहा है। एज द टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इज ह्यूज, उसकी जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है यानी इंटरनेट की जो ग्रोथ है वो ह्यूज है, यानी बहुत अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा है। ए फ्यू ऑफ द मेजर यूजेज ऑफ इंटरनेट आर, कुछ मेजर यूज जो है इंटरनेट के वो अगर हम देखना चाहें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अकाउंटिंग है, ठीक है, बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें हमारी ई कॉमर्स में आ जाती हैं। ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक जो लर्निंग हम करते हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू लर्निंग करते हैं। नॉलेज शेयरिंग, अपनी नॉलेज को शेयर करना बाय यूट्यूब और इंटरनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू।
सोशल कनेक्टिविटी, सोशल जो साइट्स हैं उन पर कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्टिविटी, कनेक्ट रहना, ये सोशल कनेक्टिविटी कहलाती है। ओके, देन वैरायटी ऑफ मीडिया, वैरायटी ऑफ मीडिया को हम लिंक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने इंटरनेट पर, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं एटसेट्रा। ये कुछ कॉमन हमारे यूजेज हैं इंटरनेट के। तो अब हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ इंटरनेट क्या होते हैं। बेसिकली सबसे पहला है सीक इंफॉर्मेशन ऑन एनीथिंग अक्रॉस द ऑन ए रियल टाइम बेसिस। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन को खोज सकते हैं रियल टाइम, एट ए रियल टाइम बेसिस। मतलब रियल टाइम बेसिस पर का मतलब है तुरंत जो भी इंफॉर्मेशन हमारी है उसको रियल टाइम, मतलब जब घटना हुई या जब वो इंसिडेंट हुआ या जब वो इंफॉर्मेशन हमारी बनी तब तुरंत ही उसे हम चेक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। गूगल सुना होगा, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, इंटरनेट की मोस्टली चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो भी हमें सर्च करनी हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के बारे में या पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, पर्टिकुलर किसी इवेंट के बारे में, तो हम डायरेक्टली गूगल पर जाकर, जो कि हमारा एक सर्च इंजन है, उस पर जाकर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाती है। ओके, देन कम्युनिकेट कोलैबोरेट विद अदर्स, जो इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, जैसे कि ईमेल के थ्रू हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम मैसेजिंग कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेजिंग है, ईमेल मैसेजिंग है, ठीक है, ट्विटर है, फेसबुक है, इनके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं। ओके, यानी कि सोशल साइट्स के थ्रू हम ओवरऑल वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। ओके, देन टेली कम्युनिकेट टू ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम, यानी कि अपने ऑफिस के वर्क को हम इंटरनेट के थ्रू टेली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमारे ऑफिस के कई ब्रांचेस हैं तो आपस में उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से बैठे बैठे हम बहुत से काम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह है, बिल्स जमा करना है, ठीक है, कुछ चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेट इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ओके, देन डू ट्रांजेक्शन्स विद बिजनेस एंटिटीज़, यानी कि जो भी हमारी बिजनेस एंटिटीज़ हैं, मतलब अकाउंट्स जो भी हैं हमारे, इकोनॉमिक अकाउंट्स हैं या जो हमारे बिजनेस अकाउंट हैं, जो भी अकाउंट हैं हमारे, उनमें हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। पैसे डेबिट और क्रेडिट किया जा सकता है पैसों का, ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू, ठीक है। देन डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द रिमोट, यानी कि रिमोट कंट्रोल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो फाइल हमारी डॉक्यूमेंट फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, कोई फाइल जो हम चाहते हैं या जो हमें ज़रूरत है, वो सर्च करने के बाद उसे हम इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। गेट एजुकेटेड एंड एंटरटेन्ड, और इंटरनेट के थ्रू हम एजुकेट भी हो सकते हैं, मतलब स्टडी से जुड़ी हुई जो भी मटेरियल्स हमें इंटरनेट पर देखना है वो हमें आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल है आसानी से, उसे देखकर हम उसे पढ़ सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं। एंड एंटरटेनमेंट, और एंटरटेन करने के लिए भी कई सारे मीडियम या कई सारे मीडिया, कई सारे प्लेटफॉर्म हमारे इंटरनेट पर हैं जिसके माध्यम से हम खुद को इंटरटेन भी कर सकते हैं। देन कैरी आउट सोशल, यानी खुद को सोशल सामाजिक चीज़ों में जुड़ाव उसमें ला सकते हैं, यानी सोशल जैसे हमारी वेबसाइट से उनसे जुड़ के हम सामाजिक हो सकते हैं इंटरनेट के यूज़ से। ओके, देन सोशल तो आप समझते होंगे, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इस पर आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके सोशल हो सकते हैं, ठीक है। देन डू ग्रुप एक्टिविटीज़, इंटरनेट के थ्रू हम ग्रुप एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप कोई गेम है वो ग्रुप में खेला जाता है, ग्रुप में जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है हम ग्रुप में कर रहे हैं, ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम ग्रुप एक्टिविटीज़ को भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। देन कलेक्ट ऑपरेशनल डेटा फ्रॉम रिमोट इक्विपमेंट, और हम कुछ ऑपरेशनल डेटा को भी कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के यूज़ से, मान लीजिए किसी की रिसर्च से जुड़ी हुई, किसी हमारे प्रोसेस से जुड़ी हुई, किसी प्रोग्रेस से जुड़ी हुई कोई भी हमें डिटेल चाहिए, ऑपरेशनल डिटेल या डेटा चाहिए, तो हम इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं।
प्रोसेस डेटा वाइल इट इज स्ट्रीम टू द सेंट्रल सर्वर। ठीक है, अगर कोई डेटा, हम अपने डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं अगर हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो भी वो है वो सेंट्रलाइज्ड सर्वर, यानी सेंट्रलाइज सर्वर पर अगर हम काम कर रहे हैं तो अपने डेटा को प्रोसेस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो देन गेट रियल टाइम डेटा ऑन द सराउंडिंग डिवाइस, यानी कि जो आपकी डिवाइसेस हैं, सराउंडिंग डिवाइस हैं, उसके थ्रू आप या सिस्टम के थ्रू या वेदर टू ऑटोमेट एक्टिविटी, ठीक है, इसके थ्रू आप रियल टाइम डेटा, जैसे वेदर का इन्होंने कहा है, वेदर मौसम का हमें अगर जानकारी चाहिए हो तो तुरंत हम उसे एक्सेस करके मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर रियल टाइम उसकी जो भी डेटा है वो हमें मिल जाएगा कि मौसम का क्या प्रोसीजर है, क्या अगर कल का क्या रहना, आगे के 7 दिनों का मौसम क्या रहना, ये सारी डिटेल हमें उसमें मिल जाएगी इंटरनेट के थ्रू। देन डिजाइन ए डिसीजन टेकिंग सिस्टम, एक डिसीजन टेकिंग सिस्टम हम डिजाइन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, एज अगेंस्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, किसके अगेंस्ट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अगेंस्ट। देन कनेक्ट पीपल स्टेक होल्डर मशीन्स एंड एवरीथिंग, इंटरनेट का यूज है से हम पीपल्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। पीपल कैसे कनेक्ट होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप से हम जुड़े हुए हैं, कई ग्रुप जुड़े हुए हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पीपल्स को कनेक्ट करती हैं। देन स्टेक होल्डर्स और मशीन्स हमारी जो भी हैं वो हमारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकती हैं वायर या वायरलेस मीडिया के थ्रू, ठीक है, एंड एवरीथिंग, जिसे हम जो भी हमारी ऐसी डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है वो हमारी कनेक्ट की जा सकती है। तो ये कुछ यूजेस थे हमारे इंटरनेट के, और वो जैसे कि यूजेस में हमारे ई कॉमर्स आ जाता है, ई मेलिंग आ जाती है, नेट बैंकिंग आ जाती है, ठीक है, हमारे मोबाइल रिचार्ज वगैरह, ऑनलाइन रिचार्ज वगैरह ये आ जाते हैं, ठीक है, और ऑफिशियल कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फॉर्म, जैसे हमें फॉर्म फिल करना हो ऑनलाइन, वो इंटरनेट के थ्रू है, ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह इशू, ये सारी चीज़ें हमारे इंटरनेट के हेल्प से ही होती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, इंटरनेट एंड इट्स यूजेज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।